हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर टॉपिक करेंगे क्रिटिकल सेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो हर साल लगा लो, हर साल या दो साल में ये टॉपिक जरूर आता है और 5 से 10 नंबर की वेटेज रखता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन। तो बात करेंगे आज की भाई क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वो क्या कॉन्सेप्ट लाया है। तो देखो, इस टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हो बिना किसी डाउट के, तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस फॉलो कर रहा है, इस टॉपिक को करने से पहले आपको इससे पहले की 2 वीडियो करनी होगी। देखो, क्रिटिकल सेक्शन हमारी 3rd वीडियो है। सबसे पहली वीडियो आपको करनी होगी रेस कंडीशन की, जो मैंने करवाई थी। देन जो 2nd वीडियो थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अगर ये 2 वीडियो आपने कर ली तो ये टॉपिक आप आधे से ज्यादा एक ही बार में समझ जाओगे। देन से रिलेटेड जो आगे के पॉइंट्स है उसको करेंगे, ठीक है। तो इजी वे में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर समझना चाहते हो कि बहुत ही इजी वे में, तो वो 2 वीडियो करके आना। अगर डायरेक्टली इस वीडियो को कोई देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप 2 वीडियो देख लीजिए पहले, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। बात करते हैं जल्दी से कि क्रिटिकल सेक्शन क्या चीज है। तो पहली वीडियो जो मैं कह रहा हूं आपको, मैंने करवाई थी रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या कहती थी कि एक बार में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस क्या कर रहे हो एक ही टाइम पे, शेयर रिसोर्सेस को असेस करने की कोशिश करते हैं जब बिना किसी मेथड के, बिना किसी सीक्वेंस के बेसिकली, और क्या करते साथ में बिना क्रिटिकल सेक्शन को सही तरीके से यूज किए बिना, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो, डेटा इनकंसिस्टेंसी की। तो अगर आपको ध्यान हो तो क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास रेस कंडीशन की डेफिनेशन में आ गया था वर्ड। वहां पे मैंने आपको स्मॉल वे में बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, आज इसको थोड़ा डीपली करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए कि द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट। देखो, द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट, अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई प्रोग्रामिंग करते हो, उसकी कोडिंग का वो टेक्स्ट वेयर, जहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज विल बी प्लेस्ड। मतलब कि क्या हुआ कि क्रिटिकल सेक्शन हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर वो एरिया होता है, वो पोर्शन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज की कोडिंग को लिखते हैं। समझे बात, कि मैं कोई प्रोग्रामिंग करता हूं मान लो, तो मेरे पास कोई ऐसा एरिया जहां पे मैं शेयर रिसोर्सेज से रिलेटेड कोडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो उस पोर्शन को, उस सेगमेंट को, उस कोडिंग के एरिया को मैं क्या कहता हूं, क्रिटिकल सेक्शन। नाम क्रिटिकल क्यों रखा गया है, क्योंकि हमने क्या देखा था पहले, रेस कंडीशन, ये शेयर रिसोर्स है। ये क्रिटिकल इसलिए वर्ड रखा गया कि भाई अगर एक ही बार में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस क्या करेंगे, इसको असेस करने की कोशिश करेंगे, तो रेस कंडीशन अराइज हो सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। इसलिए इसको नाम क्या रखा गया, ये क्रिटिकल सेक्शन है, इसको आप इजीली असेस नहीं कर सकते। इसलिए समझे बात कि क्रिटिकल सेक्शन क्या हुआ, वो एरिया प्रोग्रामिंग का जहां पे मैं शेयर्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोडिंग करूंगा, उसको मैं क्या हूंगा, क्रिटिकल सेक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है मान लो सी में, void main, ये मेरा मेन फंक्शन हो गया, हम कोडिंग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो काउंट, देखो मेरा एक शेयर्ड वेरिएबल है, ओके। अब मैंने क्या किया, ये कोडिंग करी है, लाल पेन की अलग लिखी जानबूझ के और ब्लू की अलग लिखी है, जो मेरी क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज है। अब इसको आप समझोगे एक दूसरे वे में कि इसी को देखो मैंने ट्रांसफर करके समझाने की कोशिश करी है कि void main के अंदर जब भी कोई हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये जो लाल रंग की कोडिंग है ये होती है हमारी प्राइवेट रिसोर्सेज। बात को समझना ध्यान से, ये मेरे हो गए प्राइवेट रिसोर्सेज, ओके। और ये जो ब्लू वाले क्या हो गए, जहां पे हम कर रहे कोडिंग, वो हो गए मेरे शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्सेज। तो जो भी कोडिंग प्राइवेट रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, मतलब कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो उसके खुद के प्राइवेट है, उसको दूसरे प्रोसेसेस को उससे कोई मतलब नहीं है, वो होते हैं मेरे प्राइवेट रिसोर्सेज, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा है नॉन क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट। दोबारा समझो कि कोडिंग का वो पार्ट जिसमें हम प्राइवेट रिसोर्सेज की कोडिंग करेंगे, वो हो जाएगा नॉन क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट। और हमने क्रिटिकल सेक्शन में क्या देखा कि प्रोग्रामिंग का वो पोर्शन जहां पे हम क्या कर रहे हैं,
शेयर्ड रिसोर्सेज की कोडिंग कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। तो मैंने उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये पार्ट लगा लो नॉन क्रिटिकल सेक्शन का है, ये क्रिटिकल सेक्शन का, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, शेयर रिसोर्सेज की क्या कर रहा हूं, कोडिंग कर रहा हूं, और नॉन क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर रहा हूं, प्राइवेट रिसोर्सेज की कोडिंग कर रहा हूं। एक रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से समझने के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं इसके अंदर इस एरिया में। अब एक चीज समझते कि देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी। हमने एक वे में तो प्रेजेंट कर दिया कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन क्या है, इतना हमें समझ में आ गया। बट यहां पे हमें देखो जरूरत पड़ी कि रेस कंडीशन अराइज हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई एक बार में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस क्या कर रहे थे, सेम एक ही रिसोर्सिस को असेस करने की कोशिश कर रहे थे, और बिना किसी सिक्वेंस के, बिना क्रिटिकल सेक्शन को सही तरीके से यूज किए बिना। तो उसी को थोड़ा सा हमने क्या किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि भाई अगर कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो पहले उसको एक एंट्री सेक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब कि क्या, कि भाई अभी आप एक नॉन क्रिटिकल सेक्शन में खड़े हो, ठीक है, कोडिंग में। अब कोडिंग का लेवल नीचे आता है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है, वो होती है हमारी क्रिटिकल सेक्शन की। तो हमने क्या किया, अपने प्रोसेस को एक चीज कही कि भाई अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो, अभी आप करंटली नॉन क्रिटिकल सेक्शन में हो और आप किसी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो अपनी कोडिंग के अंदर, तो आपको एक एंट्री सेक्शन को क्रॉस करना होगा। अब ये एंट्री सेक्शन क्या है, ये सेक्शन ये है कि वो एक तरीके की रिक्वेस्ट करेगा पहले प्रोसेस कि भाई मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को असेस करना चाहता हूं तो मुझे जाने दिया जाए, एक तरीके की रिक्वेस्ट है। जब ये रिक्वेस्ट पास हो जाएगी, ये एग्जांपल है, ये प्रोसेस है पी, ये अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो पहले इसको कहां जाना पड़ेगा, अपने एंट्री सेक्शन में। एंट्री सेक्शन में वो रिक्वेस्ट देगा कि भाई मैं रेडी हूं, मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को असेस करना चाहता हूं, एक तरीके की रिक्वेस्ट दी। जब वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी तो वो क्या होगी, आगे क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी, वो अपना काम करेगा और क्या करेगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा उस सेक्शन से। मतलब एंट्री के टाइम रिक्वेस्ट करेगा और एग्जिट के टाइम ये बता के निकलेगा कि भाई मैं अब अपना काम कर चुका हूं, ये नहीं कि ऐसे ही निकल गया, नहीं, एंट्री के टाइम पूछ के आ रहा है, एग्जिट के टाइम बता के जा रहा है कि मेरा काम हो गया क्रिटिकल सेक्शन का, अब मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हमने क्यों लगाई, ये चीज हमने सिर्फ इसलिए लगाई कि हमने क्या देखा था, रेस कंडीशन आ रही थी जहां पे एक बार में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक चीज को असेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हमें ये नहीं पता था कि क्या कोई उस शेयर्ड रिसोर्स को कोई यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ उस चीज को रिमूव करने के लिए हमें ये चीज डाली कि अगर कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है तो पहले रिक्वेस्ट करेगा और फिर घुसेगा। इससे क्या होगा, हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ भाई कोई इस टाइम शेयर रिसोर्सिस को यूज कर रहा है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को नहीं जाने देंगे। तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ भाई कोई इस टाइम क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर रहा है, बाकी जिसको असेस करना लाइन में लग जाओ, अभी आपका नंबर नहीं आया, अभी करंटली कोई असेस कर रहा है, ठीक है। और एग्जिट क्या है, बताने के लिए कि भाई अब वो निकल चुका है, अब दूसरा नंबर लगा लो, ठीक है। सेम देखो इसी को हमने थोड़ा सा सिक्योर वे में मैनेज किया और ऐसे रिप्रेजेंट किया कि कोई प्रोसेस है, एंट्री सेक्शन रिक्वेस्ट पार्ट रिक्वेस्ट देगा अपने कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना, जब क्रिटिकल सेक्शन अपना काम करेगा शेयर रिसोर्सेज से रिलेटेड, देन बाहर निकलेगा, देन बाकी पोर्शन क्या होगा इसका, रिमाइंडर सेक्शन, जहां पे रिमाइंडर सेक्शन क्या होगा मेरा, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, मतलब जहां पे वो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को असेस करेगा जिसका दूसरे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरी बेसिकली क्या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोसेस है अभी, ठीक है। ये मैं अपनी कोडिंग का एक जनरल प्रोसेस है कि उसके अंदर ये एंट्रीज, ये सेक्शन तो होंगे। ओके, अब आई होप आपको इतनी चीज अगर समझ में आई है तो आधा काम आपका हो गया। यहाँ पे देखो हमें रेस कंडीशन वाली वीडियो की जरूरत कहाँ पड़ी, जहां पे हमने देखा था पहली वीडियो में कि क्रिटिकल सेक्शन अराइज, क्रिटिकल सेक्शन का टॉपिक उसमें आया था, ठीक है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्कैम रेस कंडीशन की, इस चीज की आ रही है कि कोई भी आके प्राइवेट शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। एक चीज का ध्यान दो, एक चीज को थोड़ा माइंड में रखना,
कि प्रिम्पशन यानी किसी भी प्रोसेस से हम सीपीयू कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इस स्टेप के बाद इस प्रोसेस से सीपीयू नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को दे सकता हूं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो हम जो भी काम कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, या ये कहे कि प्रोसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन लाने की, ठीक है, बात अब हमारे लिए एक ही है। तो कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है, चाहे मैं निकालूं, आप निकालो, या जो हमारे पास पहले से ही है, तो उन सॉल्यूशन को हम टेस्ट कैसे करेंगे या वेरीफाई कैसे करेंगे, किस बेस पे ये कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन हमारे क्रिटिकल सेक्शन या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हमें चार बेसिकली क्या दे दी गई है, रिक्वायरमेंट्स दे दी गई है, या चार पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि इनके बेसिस पे हम टेस्ट करेंगे कि जो आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो सही है। पहले दो है हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट, और दूसरे हैं दो लास्ट के दो जो है वह सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। प्राइमरी रिक्वायरमेंट मतलब भाई ये दो तो होने ही होने चाहिए, बाकी के जो दो नीचे वाले हैं वो है बेसिकली कि ऑप्शनल है, अगर ना भी हो तो समवेयर हम अपना काम चला सकते हैं, बट ये अगर मिल जाए हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट दो तो होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है, पहली रिक्वायरमेंट क्या कहता है, वो कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यहां पे क्या मतलब हुआ कि ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड बी इन अ क्रिटिकल सेक्शन। देखो क्रिटिकल सेक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सी एस से, कि ओनली वन प्रोसेस इज अलाउडेड इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर मेरे पास एक बार में दो दो से ज्यादा 10, 20, 50 कितने भी प्रोसेस हो जो क्या चाहते हैं शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, बट एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ये नहीं कि आप एक साथ दो को भेज दो या तीन को भेज दो। तो वहां पे हमने क्या देखा था जब भेजा था, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो पहली चीज क्या कहती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि भाई चाहे हमारे पास 10 प्रोसेस हो 20 प्रोसेस हो जो शेयर रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक बार में हम सिर्फ एक ही को अलाउड करेंगे क्या कि जाके वो क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर सके, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोग्रेस। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस पॉइंट का जो एग्जांपल दूंगा वो आता है मेरे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, जो हम वहां पे पढ़ चुके हैं, बट हमने वहां पे वर्ड प्रोग्रेस नहीं लगाया था। अभी मैं पहले प्रोग्रेस बता देता हूं, क्या है, नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड लॉक द अदर प्रोसेस फॉर एंटरिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन। भाई मान लो इस टाइम दो या दो से ज्यादा प्रोसेस क्या है क्रिटिकल सेक्शन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस टाइम भी कि अगर कोई प्रोसेस है जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है, देखो या तो प्रोसेस कहाँ होगा, क्रिटिकल सेक्शन में होगा या नॉन क्रिटिकल सेक्शन में होगा, इसके अलावा तो हमारे पास क्या है, कोई और चीज है नहीं। ये अगर आप देखोगे एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन समवेयर एक ही पार्ट है, अगर वो एंट्री सेक्शन को पार कर गया तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, तो समवेयर एक ही पार्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ या तो प्रोसेस कहाँ होगा, क्रिटिकल सेक्शन में होगा, या कहाँ पे होगा, नॉन क्रिटिकल सेक्शन में। तो अब क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे को रोक रहा होगा जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। भाई ऐसा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता वो ऐसे किसी प्रोसेस को नहीं रोक सकता जाने से क्रिटिकल सेक्शन में जो जाना चाहता है, समझे। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम किसी की प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते, अगर कोई आगे बढ़ के क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सिंपली वो जा सकता है, उसको कोई प्रोसेस रोकेगा नहीं, प्रोग्रेस का मतलब वहीं से आया। एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्या था, सेकंड वीडियो आएगी हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, वहां पे एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एक था प्रोड्यूसर एक था कंज्यूमर, और मैंने वहां पे क्या कहा था कि हमारे पास अजम्पशंस है या जो गिवन है वो चीज क्या थी कि कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर आया बफर के पास, या जब मैंने क्या कहा था एक रूम के पास, वो एक आइटम लेके आता है, ठीक है,
अब उसके ऊपर हमने क्या रूल लगाया था कि भाई एक बार में एक आइटम लेके आएगा और वो कितनी बार भी आ सकता है। ध्यान से सुनना बात, वहां पे रूल क्या थे कि एक प्रोड्यूसर एक बार में एक आइटम लेके आएगा और एक आइटम रखने के बाद वो दोबारा आ सकता है कंटिन्यू करने की, भाई मैं ही आऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि एक आइटम प्रोड्यूसर ने रखी फिर नेक्स्ट टर्न किसकी आई, कंज्यूमर की निकालने की, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार में एक आइटम लेके आएगा और कितनी बार भी कितनी बार भी उस आइटम को रखने आ सकता है उसके अंदर, हमारे बफर के अंदर, ठीक है। दूसरा रूल क्या था कि प्रोड्यूसर वहां पे कंज्यूमर को रोकता नहीं है कि नहीं भाई मैं ही जा रहा हूं तुम नहीं जा सकते, मतलब एक प्रोसेस दूसरे को रोकता नहीं है आगे बढ़ने से, रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरा कोई बात नहीं बट हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, आगे बढ़ने से। वही चीज है यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर कि कोई भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रोकेगा नहीं अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो, ओके। तीसरा पॉइंट आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या होती है कि देखो हमने पहले पॉइंट पे क्या चीज पढ़ी उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि एक प्रोसेस कितनी बार भी आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन को असेस करने, बट यहां पे हम कहते हैं कि बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या हो गया कि वेट करने पे, वेटिंग के ऊपर कुछ तो बाउंड होना चाहिए, कुछ तो हमारे पास लिमिट होनी चाहिए कि अगर एक प्रोसेस चला गया, ठीक है, असेस करने, तो ये नहीं कि जो दूसरे प्रोसेस है वो वेट ही करते जाए। वो हमने ये छूट तो दे दी प्रोग्रेस के अंदर कि एक प्रोग्रेस बार बार आ सकता है बट वो बार बार इतनी बार नहीं होनी चाहिए कि वो इन्फिनिटी ही हो जाए, कि एक प्रोसेस इन्फिनिटी के लिए क्या कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में आए जा रहा है, बार बार आए जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे एक बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई दूसरे प्रोसेस को भी क्या मिलना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए, चाहे एक प्रोसेस दो बार आए, चार बार आए, दस बार आए, बीस बार आए, कोई दिक्कत नहीं, बट बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, एक रेंज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस घुसने से पहले बताएगा कि भाई मैं इसमें चार बार जाना चाहता हूँ या पांच बार जाना चाहता हूँ, मतलब बता के जाए कि ताकि दूसरों को पता चल जाए जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं कि भाई हमें इतनी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह बाउंडेड वेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है। तीसरी चीज लास्ट पॉइंट क्या कहता है, नो अजम्पशंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीपीयू या स्पीड ऑफ हार्डवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो इस चीज पे बाउंड नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि चार प्रोसेस का सीपीयू प्रोसेसर वाला ही सीपीयू होना चाहिए, ये डुअल कोर होना चाहिए, i3 होना चाहिए, i5 या i7 होना चाहिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे पास कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम इस चीज को सोच के चले कि इतनी स्पीड वाला मतलब इतने गीगाहर्ट्ज़ का ही जो स्पीड वाला सीपीयू होगा प्रोसेसर होगा उसी पे मेरा सॉल्यूशन रन करेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो इन चीजों के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इन चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम्स के उनको हम इन बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है, क्या वो प्रोग्रेस को फॉलो कर रहा है या नेक्स्ट बाउंडेड वेटिंग को फॉलो कर रहा है या कोई ऐसी स्पीड बेस्ड पे तो नहीं रुका हुआ। तो इनके बेस पे अगर जो जो चीज जैसे जैसे पास होते जाएगी हम कहेंगे ये सॉल्यूशन इन दो को तो सेटिस्फाई कर रहा है, इन दो को नहीं कर रहा, या बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई कर रहा है या प्रोग्रेस को नहीं कर रहा, इस तरीके से हम क्या करेंगे चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कि भी अगर मैं कुछ सॉल्यूशन लाता हूँ प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने का तो ये इन बेसिस पे ये क्या होंगे हमारे क्राइटेरियाज होंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या इनके बेसिस पे वो चीज़ों को पास करते जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कर लो, डेफिनेशंस को कर लो, इस चीज को कर लो, कभी भी पेपर में आए क्रिटिकल सेक्शन क्या है तो साथ में ये चीज जरूर लिख के आना क्योंकि ये अलग से पूछी नहीं जाती कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। सिंपल आएगा टॉपिक एक्सप्लेन क्रिटिकल सेक्शन इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। 5 से 7 या 10 नंबर में डेफिनेशन लिखना, पॉइंट्स लिखना, एग्जाम्पल देना और साथ साथ रिक्वायरमेंट लिखना कि कोई भी सोल्यूशन आए तो ये क्राइटेरियाज है, ठीक है। तो ये वीडियो है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन की। देखो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था अगर सीरियल वाइज एक एक वीडियो करोगे तो कोई वीडियो इसके अंदर ऐसी नहीं होगी कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आप ना समझ पाओ, बट सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है हर एक वीडियो को लाइन वाइज करो और समझते चले जाओ। बीच में अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया चाहे वो टॉपिक 2 मिनट का ही क्यों ना हो आप नहीं समझ पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ।
तो सिर्फ इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है, एक एक वीडियो को पकड़ो और करते जाओ, नहीं तो कंफ्यूज होने में एक मिनट लगेगा आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या हमारे पास आए और कैसे उन्हें टैकल करना है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।